नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी सब्जी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। जी हाँ, कचरी के बारे में। कचरी राजस्थान तथा आसपास के प्रदेशों की एक सुपरिचित सब्जी है। कचरी से बनी हुई सब्जी अत्यंत स्वादिष्ट होती है। मरू प्रदेश यानी कि मरुस्थल में अत्यधिक पैदा होने के कारण कचरी का एक नाम मरूजा भी है। जब यह फल कच्चे होते हैं तो हरे व सफ़ेद रंग लिए हुए चितकबरे दिखाई देते हैं और बहुत कड़वे होते हैं। पकने पर यह पीले पड़ जाते हैं। अधपकी या पूरी पकी कचड़ियों से अत्यंत मधुर एवं भीनी भीनी खुशबू आती है, इसलिए बहुत से लोग केवल सुगंध के लिए भी कचड़ी को अपने पास रखते हैं तथा बार बार सूंघकर इसकी सुगंध लेते रहते हैं। कचड़ी को उगाया नहीं जाता है, इसकी बेल बारिश के मौसम में विशेष रूप से खेतों में खुद ही उग जाती है। सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में यह मिलती है। कचड़ी कच्ची अवस्था में अत्यंत कचड़ी एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों और इसके बीज प्रोटीन सामग्री से भरपूर होता है। वहीं इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से यह आपको बीमारियों से दूर रखने और आपकी रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मददगार होता है। आप इसकी सब्जी या पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे कि यह आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के संक्रमण और अन्य समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। यह आपको कब्ज, अपच और सभी पेट संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मदद करती है। इसकी सब्जी, फल या बीज कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। आपकी सर्दी खांसी में राहत पाने में मददगार साबित हो सकता है। इसकी चटनी बनाकर या फिर सब्जी बनाकर सेवन कर सकते हैं। कचरी एक टॉनिक, कोल्ड एजेंट और एक उत्तेजक के रूप में काम करता है, विशेष रूप से पेट संबंधी मामलों के लिए काफी फायदेमंद होता है। वहीं इसके पाउडर का नियमित उपयोग फोड़े, खुजली जैसे मामूली त्वचा संबंधी परेशानियों को ठीक करने में भी किया जा सकता है। कुछ लोगों को खाने की इच्छा कम करती है और वह जंक फूड की ओर तो जाते ही हैं, लेकिन हेल्दी खाना खाने को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कचरी काफी फायदेमंद होता है। यह आपकी भूख बढ़ाने में मदद करता है। कचरी मारवाड़ी व्यंजनों का एक लोकप्रिय सब्जी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि कचौड़ी से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।